जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको कि मैं आज जा रहा हूँ लखनऊ से प्रयागराज के लिए, जा ही रहे होते हैं तभी हमें ट्रेन में कुछ देखने के लिए मिलता है। यूँ सब पूरी ट्रेन ही फूंक डालेंगे, आज पूरा ट्रेन फूंकने का इरादा इनका। और जल गया भाई, बताओ यार उसे भाई, साड़ी हटाइए, साड़ी हटाइए। सो तो अभी मौजूद है हम सीधे प्रयाग स्टेशन पे और फिर एक साइड से हम निकलते हैं। तो अभी निकल चुके हैं हम सलोरी मार्केट की तरफ। लाइफ में फर्स्ट टाइम है स्टेशन पे, तो बहुत बार आए गए हैं बट अभी इलाहाबाद प्रयागराज में कभी घूमे नहीं है। आई थिंक घूमने के पर्पज़ से हम निकल चुके हैं। भाई साहब, अगर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो देखने वाली बात क्या है, नई बात क्या है? ऐसे लोग देखते हैं घूर के, भाई साहब लगता है कोई जुर्म काम कर रहे हैं, कोई गुनाह कर रहे हैं। तो रहन दो फिर। वहीं बाहर से शेयरिंग टमटम लेके हम निकल जा रहे हैं रूम के। शेयरिंग ई रिक्शा का नाम सुना था बट शेयरिंग ई ड्राइव रिक्शा पहली बार मिला, तो आधा आधा हम लोग बांट के, आधा ड्राइवर साहब चला रहे थे आधा हम चला रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के आसपास उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कल यहाँ भंडारा है, और अपने भंडारा ग्रुप में मैसेज कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। आफ्टर लॉन्ग टाइम पे बाद शुभम भाई और रोहित भाई से मिल बहुत ही खुशी होती है, और रूम पे जाते हैं, खाना पीना खाते हैं और साथ में फिर निकल जाते हैं टहलने के लिए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत पढ़ने वाले बच्चों का एम लिखा हुआ है, एम्बिशन लिखा हुआ है। ये लाइब्रेरी पूरी नाइट चलती रहती है, पूरी नाइट आके बच्चे यहाँ पढ़ते रहते हैं। और वहीं नेक्स्ट डे भाई के रूम पे दोपहर में खाना पीना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने का शाम होती है, शाम का वेट करते हैं, शाम होती है और हम निकल जाते हैं घूमने के लिए प्रयागराज संगम। तो यहाँ भाई बता रहा था कि वहाँ पे एक और हमारा फ्रेंड रहता है, अब वो तो है नहीं फिलहाल में, बात हुई तो गांव बोला था, हम गांव में हैं। और प्रयागराज की गलियों में आप अगर जा रहे हो, आपको पोस्टर बैनर कोचिंग का ऐड ना मिले देखने के लिए तो आप वहां पे है नहीं, क्योंकि ये दो तीन जगह ये देखने के लिए मिलता है। या तो कोटा में चले जाएं तो सरोजनी नगर में चले जाएं, या फिर आप प्रयागराज में रास्तों को एंजॉय करते हुए हम पहुंचते हैं संगम। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे 6 साल में कुंभ और 18 साल में महाकुंभ का मेला लगता है, जो कि बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों पर बना है ये प्रयागराज, और यहीं आपको मिल जाता है बगल में अकबर का फोर्ट, जो बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक फोर्ट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये करीब 500 साल पुराना है, इसको बनने में करीब 45 साल लग गए थे, और ये फोर्ट अब आर्मी यूज करती है। गिरना मत पीछे, अरे बाप रे, कितना चाहिए बताओ। वहीं 1575 में मुगल सम्राट अकबर ने प्रयागराज का नाम चेंज करके इलाहाबाद रख दिया था, जिसका अर्थ होता है अल्लाह का शहर। और वहीं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार 2018 में इसको फिर से नाम को चेंज करके अपना पुराना नाम रख दिया प्रयागराज। सो तो अभी मौजूद है हम त्रिवेणी घाट पर। और आई थिंक लाइफ में मेरा पहली बार है, जैसे आपने बताया उस दिन कि लाइफ मेरा पहली बार होगा जो प्रयाग राज संगम पे घूम रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ। आई मीन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून है। और जैसा पीछे आप देख सकते हैं, ये साथ बोला जाता है यमुना नदी है, यमुना नदी अब संगम अभी थोड़ा सा और आगे है। घाट पे बिताने के बाद हम निकल जाते हैं सीधे रूम के लिए, तो रास्ते में मिलता है हमें ये देखने के लिए देसी लड्डू, जो 160 रुपये केजी होता है, यहाँ का फेवरेट लड्डू है, तो यहाँ से लेते हैं और हम निकल जाते हैं। वापसी हम लोग चल दिए हैं, और ऐसा बताया जाता है कि इसमें हनुमान जी जो है आके यहाँ लेटे हैं, और यहाँ बड़ी दूर दूर से लोग भीड़ आती है यहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं और बड़ी लंबी लाइन भी लगती है, अभी फिलहाल में लाइन बहुत छोटी है। वहीं हनुमान मंदिर के बाद आपको मिलता है ये शिव का मंदिर, जो हम लोग जाते हैं यहाँ पे अंदर, और काफी भव्य मंदिर है ये, 4th फ्लोर तक का है। तो अभी हम सेकंड फ्लोर पे चढ़ चुके हैं, और जैसा देख सकते हैं पीछे बहुत सारे डिजाइनिंग की गई हैं, नकाशे हैं और भी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। सारी आपको इस तरह स्टैचू टाइप की दिख जाती है, सभी नृत्य हैं कर देना चाहिए।
और यहाँ पे शिव जी की आपको छोटी से लेके बड़ी शिवलिंग देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ से घूमने के बाद निकलते हैं हम सीधे ऑटो लेके रूम के लिए, पर ट्रैफिक। और पहुंचते हैं हम सीधे सलोरी मार्केट में। अब ये मार्केट में अगर कोई नया बंदा हो तो खो जाएगा, मैं तो पहले ही खो गया था भाई साहब, मुझे ढूंढने में लोगों को 10 मिनट लगे थे। तब तक के लिए यू सी ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर चैनल। अगला कहानी और अगला ब्लॉग नेक्स्ट पार्ट में।